हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे शेयर स्प्लिट के बारे में। जानेंगे शेयर स्प्लिट होता क्या है और किस तरह से ये किया जाता है, एग्जाम्पल के साथ में। ठीक है, पहले बात करते हैं शेयर स्प्लिट के बारे में। देखिए, स्प्लिट का मतलब होता है शेयर्स को डिवाइड कर लेना, फिर वो 1 से 10 कर लो या फिर 1 से 5 कर लो। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। देखिए, अगर मेरे पास एक शेयर है जिसकी वैल्यू 1,000 रुपया है और अगर मैं उस एक शेयर को 10 में स्प्लिट कर दूँ तो मेरे पास शेयर्स जो है वो 10 हो जाएंगे, लेकिन वैल्यू जो है मुझे उसे भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर 1,000 रुपये को मैं 10 से डिवाइड कर लेता हूँ तो मेरी पर शेयर वैल्यू बन जाती है 100 रुपीज़। तो 10 शेयर को 100 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1,000 रुपये, जो हमारी टोटल वैल्यू है, वो सेम मिल जाएगी। तो यहाँ पे शेयर्स के वैल्यू में कुछ फर्क नहीं होता है अगर आप उसको डिवाइड भी कर लो। अभी लेटेस्ट जो है वो आइशर मोटर का शेयर स्प्लिट हुआ था, अगर आपको याद होगा। देखिए, 1,000 एक शेयर की आइशर मोटर के वैल्यू थी लगभग 20,000 रुपये और इन्होंने 10 में जो है वो स्प्लिट कर दिया, यानी एक शेयर के 10 शेयर कर दिए। तो शेयर्स तो मेरे पास 10 हो गए और वैल्यू थी 20,000, तो 10 से वापस से 20,000 को डिवाइड कर देंगे तो बन जाती है 2,000। तो अभी अगर आप आइशर मोटर देखोगे तो उसकी वैल्यू जो है वो 2,000 रुपये हो चुकी है, लेकिन शेयर जो है मेरे पास अभी 10 है बट वैल्यू 2,000 ही है। तो अगर इनको कैलकुलेट करोगे तो एट द एंड 20,000 ही मुझे वैल्यू मिलने वाली है। तो मेरा अकाउंट से कोई इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन शेयर स्प्लिट हो गए। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे हर एक इन्वेस्टर के पास क्वांटिटी ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं। इससे हैंड शेयर यानी शेयर शेयरिंग जो होती है, यानी जब मार्केट में सेल और बाय होता है उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, क्योंकि मैं एक शेयर तो नहीं बेच सकता, मेरे पास खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर मेरे पास 10 शेयर्स है तो उसमें से दो तीन भी मैं बेच सकता हूँ। तो जो चेंजिंग ऑफ हैंड्स होता है शेयर का वो होता रहता है, और शेयर का इंडेक्स जो है मैनिपुलेट, वो वोलेटाइल वो होता रहता है। मोस्टली बड़े शेयर जो है वो कम वोलेटाइल होते हैं क्योंकि उनके क्वांटिटी ऑफ शेयर्स कम होते हैं लेकिन वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। जैसे कि अगर आप एमआरएफ का शेयर देखोगे, आप टेस्टी बाइट का शेयर देखोगे, आप बॉश का शेयर देखोगे, इनके शेयर 60,000 के आसपास के शेयर्स हैं। तो इसके लिए इसका वॉल्यूम जो है वो वॉलेटिलिटी बहुत कम है। तो उसे बढ़ाने के लिए कंपनी शेयर स्प्लिट कर दिया ताकि वैल्यू छोटी हो जाए और लोग इसे वो नंबर ऑफ क्वांटिटी बढ़ने के बाद इसे जो है वो बाय एंड सेल कर सके। ठीक है, ये था दोस्तों शेयर स्प्लिट का कॉन्सेप्ट। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।